मेजा एसडीएम के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए चौकी इंचार्ज दिघिया करवा रहे अवैध निर्माण। जी आपको बता दें, खबर प्रयागराज जनपद से आ रही है। जनपद के मांडा थाना क्षेत्र के दिघिया चौकी के अंतर्गत दिघिया गांव में दो पक्षों के बीच कई सालों से चल रहे जमीन विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी बिना पैमाइश कराए जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने मेजा एसडीएम से और राजस्व विभाग के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, लेकिन स्टे ऑर्डर को गलत ठहराते हुए पड़ोसी जबरन जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि चौकी इंचार्ज दिघिया पैसे लेकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि स्टे ऑर्डर दिखाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मांडा थाना क्षेत्र की दिघिया चौकी इंचार्ज के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से, जहां पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए प्रयागराज जनपद से संवाददाता वैभव यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बसंत लाल यादव जी। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारा एक परेशान के लिए मैं बोले नहीं दे रहे हैं खेत जबरिया। कौन? ये लल्लन के लड़के हैं लक्ष्मीकांत, सूर्यकांत और शशिकांत। आपके परिवार ही हैं? हाँ, दिव्याकांत, रविकांत जो है जान से मारने की धमकी देते हैं। वे खेत लेते हैं और जबरिया जो जाते हमारे जाते हमारे काम लिख दीजिए और परेशान। आपकी जमीन कब्जा कर रहे हो? कब्जा कर रहे हैं, एसडीएम के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और जब चौकी पे जाते हैं तो पे खेत देते हैं, कहते हैं हमारे चाहो यहाँ से। कौन सा चौकी लगता है आपका? दिघिया चौकी लगता है। दिघिया चौकी इंचार्ज आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? हमारी मदद नहीं कर, पैसा खा रहे हैं उससे और हमें परेशान कर रहे हैं। जाओ चाहे जहाँ जाओ आएगा, हमारा हमारे ही हमारे ही, हम जो करेंगे चाहे जो होगा। अच्छा, दिघिया चौकी इंचार्ज ऐसे करे आपसे? आपने पैमाइश, ये बताइए पैमाइश हुआ है? पैमाइश अभी नहीं हुआ है, हम पैमाइश के लिए वहाँ कोर्ट में लगा रहे हैं बंटवारा खाद नाली के खाद के लिए, वो भी नहीं मान रहे जो पता। अच्छा बताइए, जमीन की आपका बंटवारा नहीं हुआ है, किसकी जमीन कहाँ पे है किसी को भी पता नहीं है? पता है जो वहाँ पे जमीन, लेकिन ये लोग जबरिया हमें खेल रहे हैं, कब्जा नहीं दे रहे हैं। हमारे नाम की जमीन है, हमारी खानदानी जमीन है, कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं है दिखाई, हमारी खानदानी जमीन है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। ये जमीन कहाँ पे है? ये जमीन पुलिस चौकी के ठीक सामने, थोड़ा सा उत्तर साइड में सड़क में रोड पे हाईवे दिघिया चौकी के पास में ही है। पास में एकदम चौकी के पास में है, चौकी पे जाते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा ये बताइए, जब एसडीएम मैडम आदेश कर दी हैं तो फिर उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? उल्लंघन नहीं, जबरिया फिर नहीं कर रहा है और बना काम कर रहा है, और हम जाते हैं तो डांट देता है, हम घर तुम्हारे बाद पर खेल देता है, बाजू तोड़ता है। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? चौकी इंचार्ज तो हमें नाम नहीं पता है, तो नए नए आए हैं। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? हम चाहते हैं न्याय हो, हमारी हक मिले, हम हमारे परिवार की सुरक्षा हो, हमारी रक्षा। अच्छा, मारपीट भी करते हैं क्या जमीन हड़पने के साथ? पैसा रहता हूँ बांटते हैं, जो बातें यहाँ पर बैठते, मैं घर पर नहीं सुरक्षित हूँ, मैं बाहर नहीं सुरक्षित हूँ, अंदर नहीं सुरक्षित हूँ। मैं और सरकार से हमें गुजारिश है कि सुरक्षा प्रदान किया जाए, हमारी रक्षा किया जाए, संचार से मात्र हमें परिवार। पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही है? बिल्कुल मदद नहीं कर रही, तो सर में करती मदद तो आज इतना मामला हाईलाइट नहीं होता, 10 जून का झगड़ा है चला आ रहा है। हम भी पंचायत भी कई बार किया, हमारे पर जो बातें कोई सार्थक नहीं निकला हमें, हमें क्यों। अच्छा, पंचायत में क्या सामने आया मामला? पंचायत में हम मान लेते हैं, वो नहीं मानता है, वो कुंडली के बाद हमारा दीवार तोड़ा दिया और हमारा जो बातें है हमारे काम नहीं कर देता, मेयर जब नहीं मानता, खेत नहीं बोल दे रहा, क्या खाएं हम गरीब आदमी, हमारे पास कमाई कुछ नहीं, हम गृहस्थी आदमी हैं। देखिए, मांडा क्षेत्र के दिघिया ग्राम सभा में हम मौजूद हैं और आपको बता दें, एक बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन कब्जा की जा रही है पड़ोसियों द्वारा। आपको बता दें पैमाइश नहीं हुई जमीन की और मेजा एसडीएम के आदेशों का पलीदा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज दिघिया के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें चौकी इंचार्ज दिघिया के मिली भगत से कहीं ना कहीं निर्माण हो रहे हैं।